इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 13। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 13। पवित्र संदूक के यरूशलेम में पहुंचाए जाने का वर्णन। और दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सम्मति ली। तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इस्राएल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवीय अपने अपने चराई वाली नगरों में रहते हैं उनके पास भी यह कहला भेजे कि हमारे पास इकट्ठे हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहां ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। और समस्त मंडली ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। तब दाऊद ने मिस्र के शिहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इसराइलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यत्यारीम से ले आए। तब दाऊद सब इसराइलियों को संग लेकर बाला को गया, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता था और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबिनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अह्यो उस गाड़ी को हाँकने लगे, और दाऊद और सारे इसराइली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरहिया बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरसुज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहां कैसे ले आऊं? तब दाऊद ने संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदे दोम नाम गती के यहां ले गया, और परमेश्वर का संदूक ओबेदे दोम के यहां उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदे दोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी।